भुवनेश्वर शिशु बिक्री घटना रे चार गिरफ शिशुर बापा पालिता बापा एवं दुई मध्यस्थी को पुलिस गिरफ करिछे। एथिसा मंचेश्वर अंचल 19 दिन शिशु पुत्र को उद्धार कर चाइल्ड लाइन को हस्तांतर करिछे पुलिस। शिशु बिक्री पछर असल उद्देश्य कौन, दारिद्र ना आउ कौन, से ने तदंत चलाइछे पुलिस। भुवनेश्वर रे शिशु बिक्री अभियोग 24 घंटा पर उद्धार होला 19 दिन शिशु पुत्र। मंचेश्वर अंचल शिशु को उद्धार कर चाइल्ड लाइन को हस्तांतर कर पुलिस। एथस किणा बिका घटन चारिज को गिरफ कर खंडगिरी थाना पुलिस। गिरफ अभियुक्त अच्छा शिशुर बापा पालित बापा एवं दुई दलाल। आईपीसी धारा 370 34 और जुबेनाइल जस्टिस नियम धारा 81 अनुजाई से गिरफ्त कर आमे पिला नहीं जो देइतलु खुशी पिलाटा भले रही होले देइतलु आगे किछि रहिनु पूरा पूरा खाली दा आमे छै नै सर आमे किछि नैनु आमे टंकाडी नैनु नै नै मु नै थिली बट मु किंतु चोरी उद्देश्य रे नहि आगे मोर किछि नाही सेइ उद्देश्य रे मु नै थिली आ पैसा पत्र कारबार थने। शिशु बिक्री पछर असल उद्देश्य कोन, दारिद्र पई शिशु को बिक्री करिथिले बापा मा ना एहा पछरे आउ किछि कारण रहिछि। छुआ बिक्री नहीं होता दस्तावेज को भी तर्जमा कर पुलिस। यही घटन आउ किए संपुक्त भी खंडगिरी पुलिस तदंत कर कनेक्शन रे पिलार बापा जी बिक्री कर अभोग सहित मध्यस्थता जो मैंने पदुआ दास बोली अच्छी जो मानस महापात्र जहाँ को बिक्री होता से प्रशांत गोछायत ये चारज गिरफ्त कर इन्वेस्टिगेशन चलती। इन्वेस्टिगेशन चललापर आहरी किसी लोक गिरफ्त होवार चांस अच्छे प्रकृत में जदि छुआ नथिबा लोक छुआ नहीं पालिबा को व्यवस्था करथिला तेबे ताकु निश्चित भाव में यह एक लेसन भविष्य में जदि कई एभली छुआ को नियंती ताले बिना कागजपत्र नबा एक आईनगत अपराध। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण नीरज पटनायक न्यूज 7।